अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो माइक्रोस्कोपी में हमने दो टॉपिक पढ़ने हैं, दो जो है वो इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं। एक है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप ये है कि बस इसके अंदर एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। याद रखिएगा सिंपल से क्या मुराद है, जिसमें ज़्यादा चीज़ें ना हो। ठीक है, कहते हैं ना ये इंसान बहुत सिंपल है, क्या मतलब होता है इसका कि ये बहुत सुलझा हुआ है, इसमें कोई ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं है जो कि लोगों को परेशान कर सकती हैं या जिससे ज़्यादा लोगों को जानना चाहिए। तो सिंपल का मतलब ही होता है आसान। तो इसमें बस सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है आपके पास, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपके पास दो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो होते हैं। अब उन दोनों कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ अलग अलग होती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप से स्टडी करना शुरू करते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपने कभी भी घड़ी बनवाने गए हों वॉच मेकर के पास, जो कि वॉच बनाता है, घड़ी बनवाने अगर आप कभी भी गए हों तो उसके पास एक ट्यूब होता है और उसके अंदर एक शीशा लगा हुआ होता है। तो वो शीशा क्या होता है, वो शीशा आपके पास होता है, उसके अंदर जो शीशा होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। और वो उस कॉन्वेक्स लेंस को और उस ट्यूब को एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप तो आपको समझ में आ गया। अब माइक्रोस्कोपी क्या है ये भी समझ लीजिए। माइक्रोस्कोपी इज़ अ फील्ड दैट यूज माइक्रोस्कोप टू व्यू ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट सीन विद द अननेकेड आई। तो माइक्रोस्कोपी हमारे पास एक ऐसी फील्ड है, ठीक है, जिसके अंदर जो है हम कुछ माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो कि हम अपनी आँख से नहीं देख सकते। जैसे कि आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे जानते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो एक घड़ी है आपके पास, एक वॉच है, ठीक है, एक वॉच है। वॉच के अंदर आपको छोटा कांटा, बड़ा कांटा और मतलब निडल ऑफ द आर, निडल ऑफ द सेकंड, निडल ऑफ द मिनट, सॉरी निडल ऑफ द आर, निडल ऑफ द मिनट और सेकंड तो नज़र आ रही होती है, लेकिन उसको जो पीछे मैकेनिज्म चला रहा होता है वो निडल आपको नज़र नहीं आती। तो उस मैकेनिज्म को देखने के लिए इस्तेमाल होता है आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये आपका इसका जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब काम किस तरह करता है ये समझ लेते हैं। देखें, ये समझ लीजिए सबसे पहले कि लीस्ट, LEAST, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आपका होता है 25 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही तो आप क्या करोगे, उसे आँख के करीब ला के देखोगे। लेकिन एक हद के बाद अगर आप अपनी आँख के करीब किसी चीज़ को लेके जाओगे तो वो चीज़ आपको धुंधली नज़र आने लगेगी, वो नज़र नहीं आएगी। और वो हद क्या है, 25 सेंटीमीटर। अगर आप 25 सेंटीमीटर से करीब लेकर जाओगे अपनी आँख को किसी चीज़ में, किसी चीज़ के मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी आँख है, ये आपकी एक अच्छी सी आँख है और ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर का। अब जो भी चीज़ 25 सेंटीमीटर से दूर होगी या 25 सेंटीमीटर पर भी होगी तो आपको अच्छी तरह नज़र आ जाएगी। लेकिन अगर किसी चीज़ को आप 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के अंदर लाके देखने की कोशिश करोगे तो आपको कभी भी नज़र नहीं आएगी। इसका जो है एक एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अपनी आँख, अपनी उंगली लीजिए या पेंसिल ले लीजिए, कोई भी, आँखों में नहीं मार लीजिएगा, बस अपनी उंगली ले लीजिए, काम करें। अपनी उंगली लें और आपकी उंगली में आपको फिंगरप्रिंट्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब करीब कर लाएँ अपनी आँख के कि और अच्छी तरह से फिंगरप्रिंट्स नज़र आने लगें। तो अब आपको फिंगरप्रिंट्स नज़र नहीं आ रहे होंगे, धुंधला दिख रहा होगा सब कुछ। करिए एक बार, ये वीडियो रोक लीजिए, मैं भी करता हूँ आपके साथ, आप भी कर लीजिए ताकि पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़े। मेरे को अभी अपने फिंगरप्रिंट्स अच्छी तरीके से नज़र आ रहे हैं, जैसे जैसे मैं करीब लाता जा रहा हूँ अभी भी बेहतर है, लेकिन जैसे ही मैं और करीब लेकर आया, इतना करीब ले आया हूँ आँख के, देखो इतना करीब आ गया हूँ, अब मुझे नज़र नहीं आ रहा, बल्कि मुझे उंगली भी मेरी धुंधली नज़र आ रही है, आँख सर में दर्द होना शुरू हो गया है इतनी सी देर में। तो ये होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कोई चीज़ अगर नहीं नज़र आ रही तो उसको करीब लाओ तो ज़्यादा अच्छा नज़र आना चाहिए, लेकिन आँख के साथ ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है अब समझ, इसको अब समझ लो थोड़ा सा, ऐसा क्यों नहीं है। डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम से देख लो। यहाँ एक आपकी आँख बना देता हूँ, ठीक है, ये पहले एक गोल करके मैंने आँख बनाई। अब आँख के अंदर गोल करके इस तरह से एक पुतली बाहर निकली हुई होती है, ठीक है, जो कि एक लेंस का काम करती है। समझ लो यहाँ पर आपका होता है रेटिना। रेटिना वो जगह है जहाँ पर आपके इमेज बनती है और रेटिना के सामने इस तरह से एक प्रिंसिपल एक्सिस बन रही होती है, इस तरह से एक प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो भी ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के बाहर रखा होता है, क्या होता है कि इस तरह से फोकल लेंथ मतलब ऑप्टिकल सेंटर से लाइन गुजरती है, ठीक है, इस तरह लाइन गुजरती है
और ऐसे करके कन्वर्ज होती हैं और आपको कोई इमेज जो है वो नज़र आती है। लेकिन जैसे ही आप 25 सेंटीमीटर के अंदर लेकर आते हो तो ये सब कुछ धुंधला होने लग जाता है, आपको अच्छी तरह नज़र नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो एंगल बनता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, वो क्या बनता है आपके पास, वो बनता है आपके पास अल्फा। अल्फा से डिनोट किया जा रहा होता है अक्सर। ठीक है, तो उसको भी बना देता हूँ मैं। यहाँ पर आप डायग्राम देख लो, उससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। डायग्राम है 13.22, पेज नंबर है 76। तो इस पर सबसे पहले आपको एक आंख दी हुई है, यहाँ पे फिर बना देता हूँ मैं, एक आंख आपको दी हुई है इस तरह से। ठीक है, तो आप कोई भी चीज़ अगर देख रहे हो तो एक एंगल बन रहा है। ठीक है, उस चीज़ के दरमियान और आपकी आँख के दरमियान एक एंगल बन रहा है। ठीक है, उस एंगल को कहा जाता है आपके पास, मैं यहाँ पर इसको I लिख रहा हूँ क्योंकि उसका इमेज से बन रहा है वो एंगल। ठीक है, अब अगर आप कोई चीज़ अपनी आँख के और करीब ले आते हो, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, अब आप क्या है और ये 25 सेंटीमीटर दूर था। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से थोड़ा दूर था, 25 सेंटीमीटर पर ही था, तो आपको चीज़ नज़र आ रही थी और एंगल जो बन रहा था वो आपके पास QI बन रहा था। लेकिन अब आपने क्या किया, आप किसी चीज़ को अपनी आँख के और करीब ले आए, अपनी आँख के और करीब ले आए, तो इसे मैं बोलता हूँ QO। अब जो आपके पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो तो 25 था, लेकिन ऑब्जेक्ट आपने अपनी आँख के और करीब रखा हुआ है, तो अब ये आपको नज़र नहीं आएगा, धुंधला होगा। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, एक लेंस को बीच में ला के रखोगे, जिसकी वजह से आपको, जिसकी मदद से आपको जो ये तमाम चीज़ें हैं वो अब नज़र आने लगेंगी। तो यही काम जो है वो माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप में हो रहा होता है कि आप अपनी आँख के किसी चीज़ को इतना करीब ले आते हो कि वो कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन जैसे ही वो माइक्रोस्कोप रखते हो तो फिर वो माइक्रोस्कोप क्या करता है कि आपका जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है उसको और बढ़ा देता है। यानी आप और छोटे एंगल पर चीज़ों को देख सकते हो, छोटे डिस्टेंस पर चीज़ों को देख सकते हो, तो फिर आपको वो चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से नज़र आ रही होती हैं। अब इसका एक फार्मूला होता है, इसका फॉर्मूला यहाँ पर इनको उन्होंने लिख के दिया हुआ है, एम इज इक्वल टू थीटा वन अपॉन थीटा टू। ठीक है, थीटा वन अपॉन थीटा टू। अब यहाँ पर थीटा वन क्या है आपके पास, आपके पास यहाँ पर जो, इसको थीटा वन थीटा टू कह देता हूँ ताकि और अच्छा समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपने लेंस रखी तो आपके पास आ गया थीटा वन। ठीक है, थीटा वन आ गया जो कि आपके पास ऊपर आएगा, और जब लेंस नहीं रखी थी तो ये हो गया थीटा टू। इन्हें ज़्यादा बेहतर ये चाहिए था कि थीटा वन थीटा टू की बजाय उसको थीटा आई थीटा ओ लिख देते, लेकिन उन्होंने थीटा वन थीटा टू लिख दिया। तो जब आपने लेंस रखी तो आपके पास बना थीटा वन, जब लेंस नहीं रखी हुई थी, बगैर लेंस के देख रहे थे, तो बना थीटा टू। इसे अल्फा अपॉन बीटा भी कहा जा रहा होता है, लेकिन यहाँ मैं अल्फा अपॉन बीटा नहीं लिखूंगा, जो चीज़ लिखी हुई है उसी चीज़ को डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप काम करता है। समझ गए ना कैसे काम करता है, कि आप लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के अंदर ले आए किसी चीज़ को, वो धुंधली नज़र आने लग गई आपको, लेकिन लेंस को बीच में रखा तो अब आपको बेहतर नज़र आने लगी। क्यों? क्योंकि इस लेंस ने क्या किया कि ये जो लाइनें आ रही थी आपकी आंखों पे, इसको एक जगह पर डाइवर्ज मार दिया, तो जिससे आपको चीज़ें नज़र आने लगी, वरना नहीं आ रही थी। अगर यहाँ से एक और लाइन ले आओ तो इस तरह आएगी, ठीक है, इस तरह आएगी, यहाँ फोकस हो जाएगी। लाइंस अक्सर रेज जो है ना वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिससे कॉन्सेप्ट मुश्किल होता है। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से आपके सिंपल माइक्रोस्कोप ने काम करा। अब सिंपल माइक्रोस्कोप का अगर आपको मैग्नीफिकेशन निकालनी है तो ये फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ लिखवा दिया। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसका आपने क्या निकालना है, अब अगर इसका आपने जो है वो निकालना है, मैग्नीफिकेशन निकालनी है एक और फार्मूले की मदद से, तो उसका ये फार्मूला होता है। अगर एंगल दिया हुआ है तो ये फार्मूला है, अगर एंगल नहीं दिया हुआ है तो ये फार्मूला है, वन प्लस डी अपॉन एफ। ये डी क्या है, ये डी आपके पास है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि होता है 25 सेंटीमीटर किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए। इसके आगे अगर किसी चीज़ को ले जाओगे, इससे कम डिस्टेंस पर किसी चीज़ को रखोगे, तो वो चीज़ नज़र नहीं आती आपको। ठीक है, तो ये फार्मूला है, और इसे हमेशा सेंटीमीटर में रखना, मीटर में नहीं रख लेना। और ये एफ जो है वो फोकल लेंथ है जो कि लेंस की है, और वन आपके पास वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। अब करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को स्टडी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इतना सिंपल नहीं होता, उसके अंदर होती है उसके अंदर आपके पास होती हैं दो लेंसेस, और दोनों होती है कॉन्वेक्स लेंस, और दोनों अलग अलग फोकल लेंथ की होती हैं। एक की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है,
आँख के पास जो लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ आपके पास ज़्यादा होती है, और रियल इमेज यहाँ पर सेम साइज़ की बना दी है इन्होंने, सेम साइज़ के नहीं होते, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा सेम साइज़ के आपके पास नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को मैं देख लेता हूँ कि जो आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है इसके अंदर आपके पास होती है दो आपके पास लेंसेज होती हैं, दोनों की दोनों आपके पास कॉन्वेक्स लेंस होती हैं। अब नाम ही कंपाउंड है तो काम भी कंपाउंड होगा इसका। अब इसका काम कैसे होता है ये सुन लीजिए कि एक जो लेंस है उससे आपके पास क्या होता है, उससे जो है आपके पास इमेज जो है वो बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसकी इमेज भी बनाता हूँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप काम किस तरह करता है। देखो यहाँ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके दिया हुआ है आपको डायग्राम में, शायद इतना अच्छा समझना है। तो देखो यहाँ पर होता है आपके पास एक लेंस जो कि ऑब्जेक्ट के तरफ होता है, एक लेंस और होता है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डायग्राम इधर बना देता हूँ, ये आपके पास आ गए प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। दोनों लेंसेज के लिए प्रिंसिपल एक्सेस आपके पास सेम होगी। ये आपके पास होता है छोटा लेंस, ठीक है, छोटा कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि आपके पास रखा हुआ होता है कहाँ पर, जो कि आपके पास रखा हुआ होता है ऑब्जेक्ट के पास। और एक होता है बड़ा कॉन्वेक्स लेंस जो कि आपकी आँख के पास रखा हुआ होता है, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। तो जब यहाँ से ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन पड़ती है, ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो इमेज आपके पास बनती है, ठीक है, यहाँ पर इमेज आपके पास बनती है, इस तरह इमेज आपके पास यहाँ बन जाती है। अब क्या काम होता है, इमेज आपके पास उल्टी आती है, ठीक है, और इन्वर्टेड आती है, उल्टी आती है और इन्वर्टेड आती है, ठीक है, उल्टी इन्वर्टेड आती है और थोड़ी साइज में बड़ी भी आती है, थोड़ी साइज में बड़ी भी आती है। अब इसकी जो फोकल लेंथ थी वो ये थी, इसको एफ ओ से लिखा जाता है, इसको एफ ओ से लिखा जा रहा होता है, एफ ओ यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट के पास जो लेंथ होता है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जा रहा होता है। तो आई होप आपको व्यू तमाम क्लियर होंगे, जी व्यूज तमाम क्लियर है आपके, ठीक है। तो ये आपके पास फोकल लेंथ हो गई ऑब्जेक्ट की। अब यहाँ पर जो फोकल लेंथ है ना वो होती है आपके पास किसकी, ये इसकी जो फोकल लेंथ होती है ना, क्योंकि बड़ा लेंस है तो फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, इसकी फोकल लेंथ आपके पास क्या होती है एफ आई, क्योंकि ये आँख के पास लेंस है तो इसलिए इसे एफ आई कहा जा रहा होता है। अब आपको मैंने बताया था जब भी आपके पास कोई इमेज एफ और ओ के दरमियान बने तो वो इमेज वर्चुअल बन जाती है, वो इमेज क्या होती है, वो इमेज वर्चुअल बन जाती है। तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है और पीछे की तरफ जाती है, ठीक है, पीछे की तरफ जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से भी आपके पास लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आके मिलती है, तो आपके पास क्या होता है एक इमेज बनती है जो कि बड़ी बन जाती है और उल्टी बनती है। तो छोटा सा ऑब्जेक्ट था, इतनी बड़ी उसकी जो है वो आखिर में इमेज हो जाती है, छोटे से ऑब्जेक्ट की इतनी बड़ी आखिर में इमेज आपको नज़र आने लगती है। तो इस तरह से ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो आपका वर्क करता है, इस तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस लाइन को मैं थोड़ा सा ना ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, ये तो इस तरह से आपका जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्क कर रहा होता है, ठीक है, ये लाइन आ गई। एक लाइन में थोड़ी सी बेहतर बना देता हूँ क्योंकि एक लाइन ना प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है। तो ये हमारी लाइन हो गई, एक सीधी लाइन आ गई, एक हमारे पास यूं जाकर इससे लगकर ऑप्टिकल सेंटर से लगकर एक ट्रायंगल बना दिया। ये जो है ना इसकी डिटेल स्टडी आपको मिलेगी किधर, इसकी डिटेल स्टडी आपको मिलेगी फर्स्ट ईयर के अंदर, जब हम इसे फर्स्ट ईयर में इसकी डायग्राम को स्टडी तो करेंगे लेकिन साथ ही साथ डायग्राम के साथ साथ क्या स्टडी करेंगे इसकी डेरिवेशन को भी। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो एफ ओ के लिए क्या था, रियल, लेकिन एफ आई के लिए जो ऑब्जेक्ट था वो वर्चुअल था क्योंकि उसने इमेज को ऑब्जेक्ट बना लिया। तो फिर जो इमेज बनी वो आपके पास वर्चुअल बनी और उल्टी बनी, लेकिन काफ़ी मैग्नीफाइड बनी, बड़ी बनी। तो इस तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप का काम करता है कि उसके अंदर दो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो फिट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास रियल ऑब्जेक्ट है, इसको मैं लिख देता हूँ, फोकल लेंथ तक के डिस्टेंस भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के फोकल लेंथ तक के डिस्टेंस, ये इमेज तक का डिस्टेंस जो कि वर्चुअल इमेज है ये, क्यों, और ये एफ आई, ठीक है, एफ आई यानी आँख के पास जो रखा हुआ है, एफ ई भी कह सकते हो चाहो तो, लेकिन एफ आई कहना ज़्यादा बेहतर है, चलो एफ ई ही लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आई से समझ ना आ रहा हो तो ई से समझ में आ जाए।
सिंपल डायग्राम बनाइए, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाए, ठीक है। तो इसको आप बोलोगे ए, इसको बी स्लैश, इसको ए स्लैश, अच्छा इसको बोलोगे ए डबल स्लैश, और इसको बोलोगे बी डबल स्लैश, इसको बोलोगे ए डबल स्लैश, ठीक है। ए और बी क्या था, ऑब्जेक्ट, ए और बी, ए स्लैश बी स्लैश क्या था, आपके पास इमेज, और जो कि ऑब्जेक्ट के लिए काम किया था दूसरे लेंस के लिए, और जो फिर इमेज बनी उसकी मदद से वो ए डबल स्लैश ओ डबल स्लैश आई। तो देखा एक ही ऑब्जेक्ट से दो इमेजें बन गई, एक इमेज ये बन गई और एक इमेज ये बन गई। तो इस तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो आपका वर्क करता है, इसकी डिटेल जो है वो वर्किंग मैंने बता दी। अब आ जाते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। अनफॉर्चुनेटली डेरिवेशन आपको कराई नहीं जा रही, तो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूले आपको जो है वो नहीं लिख के दिए जाए, मतलब डेरिवेशन से आप नहीं समझ सकते अभी। तो इसकी डेरिवेशन के लिए इसका फॉर्मूले की मतलब इसका फॉर्मूला थोड़ा सा जो है ना इधर इन्होंने आगे पीछे करके लिख दिया है, मैं इसका फॉर्मूला आपको सही करवा के लिखवा देता हूँ, ठीक है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, इधर इक्वल टू जो लगा हुआ है ना ये गलत लगा हुआ है, यहाँ लिख रहा हूँ इसका फॉर्मूला, इसका इक्वल टू जो लगा हुआ है ना गलत लगा हुआ है, एल अपॉन एफ ओ, ये एल क्या है, दो लेंसेज के दरमियान का डिस्टेंस है, दो लेंसेज के दरमियान के डिस्टेंस को एल कहते हैं, और एफ ओ क्या है, ये जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस की, और ये मल्टीप्लाई होगा वन प्लस डी अपॉन एफ ई से, ठीक है। एफ लिखा हुआ है, एफ ई आता है, जबकि यहाँ पर जी एफ ई आता है, एफ ई क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये है, इक्वल टू नहीं आएगा, ये दोनों आपस में होते हैं मल्टीप्लाई है। तो यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूले की गलती थी, इसको स्क्रीनशॉट ले लो पूरे को, तो जो मैंने समझाया वो इंशाल्लाह याद रहेगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसका यूज़ भी बता देता हूँ भाई, यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप को क्यों यूज़ करते हैं। देखो सबसे पहले तो जो बेसिक यूज़ है ना माइक्रोस्कोप का, वो ये है कि जो चीज़ हम आँख से नहीं देख सकते वो देख सकें, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आँख, इंसान की आँख जो है ना वो 0.1 मिलीमीटर तक की छोटी चीज़ को देख सकती है, इसके आगे जो छोटी चीज़ें वो हमें नज़र नहीं आएंगी, उसके लिए फिर आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा चीज़ें देखने के लिए। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपको पता है बैक्टीरिया खाने में होते हैं, तो जिससे खाना ख़राब हो जाता है, लेकिन कभी बैक्टीरिया आपने देखा है, जी देख सकते हैं आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से। आपने कभी अपने खून के अंदर जो ब्लैटलेट जो सेल्स होते हैं वो देखे हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से। आपने जो है वो कभी और छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो कि आँख से नहीं देखे जा सकते देखें, बिल्कुल देख सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। तो ये इसका यूज़ है कि जो बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ें उनको आप देख सकें, काम इस प्रिंसिपल पे करता है, जो टेलीस्कोप जो माइक्रोस्कोप के अंदर काम हो रहा होता है वो ये हो रहा होता है, ठीक है। अब आ जाओ इसके सवाल पे, एक्सप्लेन द नियर पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन ऑफ एन आईपीस और अ नॉर्मल। तो वो जो हमने पढ़ा नहीं था अभी थोड़ी देर पहले कि लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, उसी से रिलेटेड बात पूछ रहे हैं हमसे। तो यहाँ इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, देख लो, वेयर डी इज द नियर पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई। डी क्या है, वो लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन है, डी से डिनोट होता है वो। तो इस पूरे सवाल को लिख लेना, इसको डिफाइन कर चुका हूँ मैं। गिवन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की वर्किंग प्रिंसिपल बताओ। तो ये जो लिखा हुआ है ना मैग्निफिकेशन बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको पूरा लिख लो, यही इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है कि किस तरह से ये काम कर रहा होता है, ठीक है। हाउ डज मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप रिलेट टू द फोकल लेंथ, तो किस तरह से आप माइक्रोस्कोप की जो फोकल लेंथ है उन्हें आपस में रिलेट करते हो। तो इसका आंसर ये लिखा हुआ है, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज एम वन प्लस डी अपॉन एफ, वेयर डी इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन एंड एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्प्लेक्स लेंस, द शॉर्टर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस द हायर द मैग्नीफाइंग पावर। जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ कम होगी उतनी ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगी, क्योंकि उतनी ज़्यादा कन्वर्ज करेगा लेंस, ठीक है। तो ये मैंने बताया अभी तभी थोड़ी देर पहले। आखिरी सवाल देख लो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि इसमें एक लेंस होती है सिंपल माइक्रोस्कोप में, इसमें दो लेंसेस लगी हुई होती हैं, और सिंपल माइक्रोस्कोप सिर्फ जो है वो थोड़ी बड़ी चीज़ों को ही दिखा सकता है और बड़ा करके, लेकिन जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी हमें बड़ा करके दिखा देता है और हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है उसे पूरा कर देता है। तमाम डिफरेंसेस यहाँ लिखे हुए हैं, इसको सिंपल ऐसे उतार लेना, ठीक है। डिफरेंस नंबर टू क्या लिखा हुआ है, देयर इज़ अ सिंगल लेंस इन सिंपल माइक्रोस्कोप और देयर इज़ अ टू टू थ्री लेंस और फाइव, ये वैसे तो दो लेंस पढ़ी हैं अभी हमने, लेकिन इसमें और ज़्यादा लेंसेज भी होती हैं। अब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ रहे हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसमें और ज़्यादा लेंसेज होती हैं ताकि और अच्छी तरीके से चीज़ों को बड़ा करें, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप लेंस बढ़ा रहे हैं आपका ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है,
तो इसी तरह से और लेंसेज का भी इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्जेक्ट और बड़ा भी बन सकता है आपका। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया हो, मैंने तमाम चीज़ें डिटेल में बता दी। देखो मैं रटवाता नहीं हूँ, बहुत आसान काम है कि बोल दूँ भाई ये याद कर लेना वो याद कर लेना, ये आसान है वो आसान है, ये माइक्रोस्कोप है ये टेलीस्कोप, बहुत आसान काम है मेरे लिए। इतने एक एक आधा आधा घंटा ना लगे लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए, अभी भी जो है वो 20 मिनट से ऊपर चला गया है लेक्चर हमारा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि समझाऊँ पढ़ाऊँ सिखाऊँ, और इंशाल्लाह जब ये कभी आप दोबारा पढ़ें या जब इन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़े तो ये आपको हेल्प करें, तो आपको कुछ बात समझ आ जाए कि काम होता कैसे है, कर क्या रहा होता है चीज़ें पीछे, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी समझ में आती हैं, तो जैसे मैं समझाता हूँ तो एक चीज़ नहीं समझाता मैं, याद रखिएगा आज जो 20 मिनट का लेक्चर दिया इसमें सिर्फ मैंने आपको सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं समझाया, बल्कि सिंपल माइक्रोस्कोप भी समझाया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी समझाया, उनके फॉर्मूले भी समझाए, उनकी जो है वो डायग्राम भी समझाई, उनके जो है वो यूजेस भी सिखाए, उनके जो है वो सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस भी कराए, फिर टाइम लगा। हाँ अगर सिर्फ सिंपल माइक्रोस्कोप बताना होता तो 2-3 मिनट काफ़ी थे मेरे लिए, या 4 मिनट में बता देता। तो ये नहीं देखें कि वीडियो बहुत लेंथी आ रही है, वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं सर, अगर टाइम नहीं लूँगा तो बात समझ भी नहीं आएगी, याद रखना। आगे जाके आपने एप्टीट्यूड में मैंने इंशाल्लाह कोशिश करनी है, जब मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर पढ़ाऊंगा सेकंड ईयर पढ़ाऊंगा तो एप्टीट्यूड भी कराऊंगा, ठीक है, और आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिलवाऊंगा। लेकिन अगर अभी आपने नहीं पढ़ा ना उस वक्त आपको बस कुछ नहीं करना होगा, 1,00,000 रुपये, 50,000 रुपये, 70,000 रुपये, 80,000 रुपये 6-7 महीने के लिए कोचिंग्स को देने हैं और एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है, बस ये है आपका काम होगा उस वक्त। लेकिन अगर अभी पढ़ लिया आपने तो उस वक्त जो आपको परेशानी होगी वो भी नहीं होगी, ठीक है, आज से 2-3 साल बाद जो परेशानियाँ आपको होनी है वो भी नहीं होगी, ना ही आपको ज़्यादा रटना पड़ेगा, ना ही ज़्यादा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, आपको पता होगा सर ने बताया था भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है कहाँ लिखा है, बस पढ़ लोगे, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है कैसे काम करता है बस पढ़ लोगे, दोबारा याद आ जाएगा, आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, 80s 90s नंबर ला के यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हासिल करोगे और चीज़ें सीखोगे। यूट्यूब ने आपको बहुत फ़ायदा कर दिया है कि अच्छे से अच्छा टीचर अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको यूट्यूब पर मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, पढ़ें। और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस समय, जो भी और टीचर्स हिंदी केमिस्ट्री PST इंग्लिश उर्दू, उन तमाम टीचर्स को मैं ख़ुद भी अप्रिशिएट करता हूं और आप लोग भी उनके लिए दुआएं करा करें ताकि वो इसी तरह से पढ़ाते रहें आप लोगों को, उनका चैनल भी आगे ग्रो करें। अब चैनल आप लोग ग्रो करवा सकते हैं अपने दोस्तों में शेयर करके, चीज़ों को शेयर करके। देखें तालीम बांटना आसान काम नहीं होता, इंटरटेनमेंट तो बहुत आसान काम है ना, इंटरटेन करना किसी को, ख़ुद भी मज़ा आ रहा होता है, पैसा भी बहुत मिल रहा होता है, सपोर्ट भी बहुत है, तालीम में सपोर्ट बहुत कम है आपको पता है, सब्सक्राइब लाइक बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी जितने बच्चे हम तक सीख रहे हैं पहुँच रहे हैं उन तक तो हम इल्म पहुँचाएं, कम से कम हमारा तो कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है वो हिस्सा जाए माशरे में। तो आई होप बात समझ आ गई होगी, ग्रुप में ऐड होना हो तो हो जाइएगा, 1,500 फीस है, तमाम सब्जेक्ट के नोट्स हो गए हैं मैथ के अलावा, बाकी जो पूछ रहा हूँ व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करिएगा, इंशाल्लाह बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।